मैग्नीफाई बैक सेंटर। मैं हूँ आपकी टीचर कृतिका एंड यू आर माय स्वीट लिटिल स्टूडेंट्स। यस, हाँ, तो आप सोच रहे होंगे मैम इतनी खुश क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में पॉजिटिव फ्रेंड्स कराए थे और अब हमारे हैं नेगेटिव स्मॉल फ्रेंड्स। यस, तो नेगेटिव क्या होता है? अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सी चीज पूछ रही हूँ कि आपका अपोजिट डाउन होता है, प्लस का अपोजिट माइनस होता है और पॉजिटिव का अपोजिट यस नेगेटिव। वेरी गुड, बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है मेरे। यस, तो ये है नेगेटिव स्मॉल फ्रेंड्स। ओके, अच्छा ठीक है, आपने बोला पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, तो हमने लास्ट क्लास में प्लस 4, प्लस 3, प्लस 2 और प्लस 1 किए थे। ओके, और उसमें हमने क्या किया था, ममा आई फ्रेंड गया। ओके, अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जस्ट ऑफ अपोजिट ऑफ दैट कि ममा गो एंड फ्रेंड कम। अब क्या होने वाली है, पार्टी। यस, अच्छा पार्टी, पार्टी कैसे होती है, पार्टी तो फ्रेंड्स के साथ ही होती है ना, तो फ्रेंड्स आएंगे और ममा जाएगी, है ना। पहले तो इतना बोर सा लग रहा था कि ममा आ गई और फ्रेंड को जाना पड़ रहा है, और अब होगा इनके फ्रेंड्स का आना और मम्मी का जाना। ओके, दिस इज नेगेटिव स्मॉल फ्रेंड। लाइक दिस, हमने प्लस 4 किया था तो ममा को आना था और फ्रेंड को जाना था, प्लस 3 किया था तो उसमें भी 3 का फ्रेंड 2 था तो ममा आई और 2 गया, प्लस 3 प्लस 2 किया तो 2 का फ्रेंड 3 था और ममा आई यानी ममा इज 5। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हु इज ममा, कुछ बच्चे अगर नए हैं वो सोचेंगे ममा ममा क्यों कर रही है मैम, ममा इज आर 5। ओके, 5 ही ममा है, देन 5 का और 3 गो, 3 कौन है, 3 ही तो हमारा स्मॉल फ्रेंड था 2 का। ओके, और प्लस 1 के लिए हमने क्या किया था, ममा यानी 5 का एंड 4 फ्रेंड्स आर गो। ओके, अब हमको करना है जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, यानी कि माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2 एंड माइनस 1। यस, कैसे करना है, जैसे हमने किया, हमें पहले लिख लेना है ये वाले फॉर्मूले भी अपनी अपनी। ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन दिस, माइनस 4 के लिए माइनस 5 और प्लस 1 करना है, यानी कि मम्मा को भेजना है और 1, 4 का फ्रेंड 1 है उसे प्लस करना है। ऐसे ही माइनस 3 करने के लिए माइनस 5 प्लस 2 और माइनस 2 करने के लिए माइनस 5 एंड प्लस 3। यस, एंड माइनस 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का फ्रेंड 4 तो माइनस 5 एंड प्लस 4। यस, अब हम इसको कैसे करेंगे, एक्सप्लोर करते हैं हम कुछ सम्स के साथ। हाउ टू डू, जैसे एक सिंपल सी पैथ मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हुआ है प्लस 5। ओके, अब इसमें मुझे माइनस 1 करना है, 1 का फ्रेंड कौन है, 1 का फ्रेंड 4 तो फ्रेंड कम बाय योर थंब, तो 1 का फ्रेंड कौन था, 4। ओके, अब मैं आपको अभी नीचे से करा रही हूँ, ठीक है, 1 का फ्रेंड 4 है यानी कि 4 का, अरे मम्मा को तो भेजा ही नहीं यहाँ से, मम्मा को तो भेजो बाय मिडिल फिंगर। ओके, 4 का 5 को, अब हमें कैसे फिंगर्स को यूज करना है, थंब से तो हमें लोअर बिट्स बुलानी है और मिडिल फिंगर से 5 को भगाना है। वी जस्ट डू लाइक दिस, प्लस 4 और प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 जो भी हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड का एंड 5 को। ओके, लाइक दिस, दिस इज 0। ओके, अगेन प्लस 5 एंड मुझे करना है माइनस 2, 2 का फ्रेंड कौन, 3। यस, तो 3 का एंड 5 को। यस, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, माइनस 3, तो अगर मैंने यहाँ पे प्लस 5 किया है अब मुझे माइनस 3 करना है। हाउ टू डू, माइनस 3 यानी 3 का फ्रेंड कौन है, 2, तो 2 का 5 को। ओके, लाइक दिस, माइनस 4 करना है, यहाँ 5 हुआ हुआ है, माइनस 4 करेंगे, माइनस 4 के लिए बाबा कोई वीक नहीं है यानी 4 का फ्रेंड 1 है तो 1 कम एंड 5 को। ओके, अब हम इसको कुछ सम करके और एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, हमने हर एक
के लिए टू टू सम किए थे। ओके, अब हम आज भी इसी तरह से हर एक स्मॉल फ्रेंड को सीखने के लिए टू टू फ्रेंड्स करेंगे। इसे एक चीज और बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ फाइव। पहले मैंने आपको बताए थे कम्पोजिशन ऑफ फाइव और अब ये है डीकम्पोजिशन ऑफ फाइव। ओके, चलो हम कुछ सम करते हैं। सम इज फॉर माइनस फोर, माइनस फोर के लिए सम है फोर थ्री एंड माइनस फोर। हाउ टू डू, प्लस फोर प्लस थ्री, थ्री के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्री के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्री नहीं है, क्या करना है, दिस इज पॉजिटिव प्लस थ्री। ओके, तो थ्री का फ्रेंड टू, फाइव का टू गो। ओके, एंड नेक्स्ट इज माइनस फोर। ओके, अब माइनस फोर के लिए तो क्या बताया मैम ने, फाइव को भगाना है, यानी मम्मा को भगाना है, फ्रेंड को बुलाना है, मेक अ पार्टी। यस, प्लस वन एंड माइनस फाइव, आंसर इज थ्री। यस, वेरी गुड, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सम इज एट माइनस फोर प्लस टू। सम इज एट माइनस फोर प्लस टू, कैन यू डू दिस? Yes, how to do? 8, okay, अब हमको क्या करना है, minus 4, तो make a party, 4 का friend, 1 come, 5 go, okay, and now plus 2, plus 2, ये positive है, yes, तो 2 हमारे पास नहीं है, then 2 का friend come, 3, then 5 come, 3 go, mama आ गई, फ्रेंड्स चले गए, पार्टी कैंसिल। यस, आंसर इज 6। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज -3। ठीक है, इसके भी टू सम्स करके हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाउ टू डू 4 2 -3, सम इज 4 2 -3। हाउ टू डू, प्लस 4 अगेन प्लस 2 2। हाउ टू डू, टू का फ्रेंड 3, 5 का 3 go, okay, now minus 3 करना है, minus 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 का friend 2, 2 का 5 go, answer is 3, okay, is that clear? The next one is 8 minus 1 minus 3, the sum is 8 minus 1 and minus 3, yes, let's do 8 minus 1. And minus 3, minus 3, 3 का friend 2, here is 2 beats come and 5 go, answer is 4, yes. Next one is minus 2, minus 2 को explore करने के लिए हम और भी कुछ sum करेंगे, like this, sum is 6, minus 2 and plus 4, sum is 6, minus 2, एंड प्लस फोर, तो क्या करेंगे, प्लस सिक्स हो गया, अब माइनस टू करना है, टू का फ्रेंड थ्री, टू का फ्रेंड थ्री, मैंने आपको सिखाया था थ्री फिंगर्स ओपन एंड टू फिंगर्स आर डाउन लाइक दिस, दैट थ्री का फ्रेंड टू। कभी भी आप भूल जाओ तो अपना हैंड ओपन करके जो बोल रहे हैं, यानी माइनस टू करना है, तो ये माइनस टू हुआ और कितने फिंगर ओपन है, थ्री, यानी थ्री को बुलाएंगे और 5 को भगाएंगे, 3 का एंड 5 को, एंड प्लस 4 भी करना है ना, तो प्लस 4 इज पॉजिटिव, देन 4 का फ्रेंड कौन है, 1, ओके, देन 5 का 1 को। आप सोच रहे हैं मैम इसे नाक क्यों बना रही है, क्योंकि इसकी पार्टी कैंसिल हो गई, क्योंकि मम्मा आ गई और फ्रेंड चला गया। ओके, यस, आंसर इज 8। यस, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, 7 minus 2 and again minus 2. How to do? Let's do for my abacus. Plus 7 minus 2. Again minus 2. Yes, 2 ka friend 3 and 5 go. Answer is 3. Okay, now the next one is minus 1. Okay,
अब हम माइनस वन का प्रिंट करेंगे। माइनस वन यानी वन का प्रिंट फोर। अब क्या होगा, फोर आएगा और फाइव जाएगा। ओके, कैसे करना है, फाइव माइनस वन अगेन माइनस वन, ठीक है, समझ गए, फाइव आ गया। अब माइनस वन करना है यानी वन का फ्रेंड फोर, फोर काम फाइव को एंड अगेन माइनस वन, वेरी सिंपल, आंसर इज थ्री। यस, लेट्स डू द नेक्स्ट सम इज सेवन माइनस टू एंड माइनस वन। ओके, सेवन माइनस टू फाइव लेट्स फिंगर एंड माइनस वन, सो वन का फ्रेंड फोर काम एंड फाइव को, आंसर इज फोर। यस, तो आज की क्लास में आपने क्या किए, नेगेटिव स्मॉल फ्रेंड्स फोर थ्री टू वन और एन के लिए क्या करना था, मम्मा को भगाना था, फ्रेंड को बुलाना था, यानी मम्मा इज फाइव, फाइव कम एंड फ्रेंड नो, फाइव गो एंड मम्मा नो, क्या करना है, बार बार मैम कंफ्यूज कर रही है। तो यहाँ पे किस लिए लिखा है, माइनस फाइव एंड प्लस योर फ्रेंड्स, ओके, योर नेम इन नंबर्स के फ्रेंड्स, ओके, तो फाइव को जाना है और फ्रेंड को आना है, ओके, अच्छा, आज मैं आप लोगों से कुछ सब पूछूंगी और वो है आपके लिए होमवर्क। तो मैं आपको कुछ सम दे रही हूँ और आपको उनके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताना है और मैं आपको आंसर बताऊंगी मेरी नेक्स्ट क्लास में, ओके, ठीक है। मैं आपसे कुछ सम पूछ रही हूँ, द सम इज फाइव माइनस टू एंड प्लस फोर, ओके, आई रिपीट अगेन, फाइव माइनस टू एंड प्लस फोर, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने और मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं आंसर, ओके, और मैं आपको बताऊंगी मेरी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट सम इज फोर थ्री माइनस फोर, ओके, नेक्स्ट सम इज फोर थ्री माइनस फोर एंड द नेक्स्ट वन इज वन फाइव टू, थर्ड सम इज वन फाइव टू। I ask only five sums. करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइव सम ही पूछ रही हूँ, होमवर्क में आपको फाइव सम है, मुझे पता चले कि मैं पढ़ा भी रही हूँ और बच्चों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ और होमवर्क में आपके फाइव सम ही है, फिंगरिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, कुछ सम्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको पहला सम दिया फाइव माइनस टू प्लस फोर, नेक्स्ट सम इज फोर थ्री माइनस फोर, थर्ड वन इज वन फाइव टू and fourth one is 5 minus 3 and plus 6. So, fourth sum is 5 minus 3 and plus 6 and number 5 is 9 minus 3 and again minus 3. The sum is 9 minus 3 and minus 3. आपको ये homework करना है, मुझे comment box में इसके answers देने हैं और next class में मैं आपको इसके answers बताऊंगी. Okay then, bye! Oh,